दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर को लेकर दो बड़ी खबरें यहां पर निकल कर आ रही है, जिसका इम्पैक्ट आपको टाटा पावर के ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी कल के अंदर देखने को मिल सकता है। जी हां दोस्तों, टाटा पावर जो कि पिछले एक महीने से एक ही कंसोलिडेशन फिगर के अंदर ट्रेड कर रहा है, कोई बड़ी रैली आपको इस शेयर के अंदर देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन डेफिनेटली यहां पर डेली बेसिस पर न्यूज निकल कर आ रही है टाटा पावर को लेकर। उसके बाद यहां पर टाटा पावर के अंदर 6 अगस्त जब कंपनी अपने क्वार्टर वन के नंबर्स अनाउंस करने वाली है, तब आपको यहां पर एक बड़ा ब्रेकआउट बनते हुए देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ अगर हम टाटा पावर के वॉल्यूम बेस्ड काम को भी एनालिसिस करें, तो इस कंसोलिडेशन फिगर में रहने के बावजूद अगर आप टाटा पावर के वॉल्यूम बेस्ड काम को देखेंगे तो यहां पर किसी प्रकार की कोई कमी आपको देखने को नहीं मिल रही है। डेली बेसिस पर काफी ज्यादा वॉल्यूम बेस्ड काम हमें यहाँ पर टाटा पावर के अंदर देखने को मिल रहा है। आज के दिन भी लगभग 27% के करीबन डिलीवरेबल बेस्ड काम हमें यहाँ पर देखने को मिल चुका है। टाटा पावर अपने क्वार्टर वन का रिजल्ट 6 अगस्त 2021 को अनाउंस करने जा रही है। कंपनी का रिजल्ट काफ़ी शानदार आने की उम्मीदें हैं, और साथ ही साथ जो यहां पर दो बड़ी खबरें निकल कर आई है, जिससे डेफिनेटली यहां पर रिजल्ट में तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन साथ ही साथ यहां पर अगर आपने टाटा पावर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपके शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहां पर निकल कर आई है। तो चलिए दोस्तों उस खबर की तरफ चलते हैं। उसके पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही इम्पोर्टेंट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने टाटा पावर से रिलेटेड जो न्यूज़ यहां पर निकल कर आई है उसे ओपन कर रखी है, जिसमें टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर्म इन ओडिशा टाइज यूपी विद CSCs टू फैसिलिटेट ऑनलाइन बिल पेमेंट इन रूरल एरियाज। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन आर्म ने यहां पर ओडिशा के अंदर CSC के साथ यहां पर टाइप कर लिया है, यानी कि कोलेब्रेशन हमें देखने को मिल रहा है कॉमन सर्विसेज सेंटर्स के साथ में। CSC का मैं बताना चाहता हूँ कि CSC जो कि गवर्नमेंट बेस्ड यहाँ पर एक सर्विस सेंटर है, जो कि यहाँ पर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, उसके साथ यहाँ पर टाटा पावर का टाइप हमें देखने को मिल रहा है। अगर कंप्लीट न्यूज़ भी आप देखेंगे तो कॉमन सर्विस सेंटर्स आर द एक्सेस पॉइंट्स फॉर डिलीवरी ऑफ एसेंशियल पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, सोशल वेलफेयर स्कीम्स, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स इन रूरल एंड रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर ये जो टाटा पावर के साथ में यहाँ पर जो CSC का टाइप हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, द कोलैबोरेशन विल हेल्प रूरल कंज्यूमर्स ऑफ द जॉइंट वेंचर कंपनी बिटवीन टाटा पावर एंड द ओडिशा गवर्नमेंट पे देयर पावर बिल्स टू CSCs एंड विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, ही सेड। तो डेफिनेटली यहाँ पर गवर्नमेंट को तो इसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ टाटा पावर को भी इसका अल्टीमेटली बेनिफिट मिलने वाला है। इट हैज़ ऑलवेज बीन अवर प्राइम फोकस टू एनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस थ्रू न्यूमेरस इनिशिएटिव्स। इन दिस जर्नी द कोलैबोरेशन विद CSC विल मेक अवर बिल पेमेंट प्रोसेस कन्वीनियंट फॉर रूरल कस्टमर्स। जैसा कि आपको पता है कि टाटा पावर और टाटा ग्रुप हमेशा से अपने कस्टमर्स के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर फैसिलिटेट रहा है, हमेशा से यहाँ पर यूज़फुल फीचर्स यहाँ पर हमेशा से टाटा मोटर्स टाटा पावर अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करता रहा है, और इसीलिए आज ये कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिल रहा है। और ये कोलैबोरेशन जो यहाँ पर निकल कर आ रहा है, ये कोई छोटा मोटा कोलैबोरेशन नहीं है, बल्कि 5,800 CSCs। जी हाँ दोस्तों, अगर हम यहाँ पर बात करें कॉमन सर्विस सेंटर की, तो ऑल ओवर ओडिशा के अंदर जो लगभग 5,800 CSC है, उनके साथ यहाँ पर कंपनी ने टाइप किया है। तो डेफिनेटली इससे कंपनी को भी बेनिफिट मिलेगा और कंपनी के बिजनेस में यहाँ पर आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इसी के साथ टाटा पावर के जो फाइनेंशियल रिजल्ट 6 अगस्त 2021 को अनाउंस होने जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा फोकस कंपनी के रेवेन्यू पर तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा फोकस कंपनी की नेट इनकम पर रहेगा, क्योंकि क्वार्टर फोर में जब कंपनी ने अपने रिजल्ट को डिक्लेयर किया था, उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पर रेवेन्यू के अंदर तो हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिली थी, लगभग 53% की ग्रोथ हमें देखने को मिली थी, लेकिन नेट इनकम और EPS की बात करें तो वहाँ पर हमें रेशियोज बिल्कुल भी अच्छे नहीं देखने को मिले थे। तो यहाँ पर रिजल्ट में अल्टीमेटली फोकस जो रहने वाला है वो कंपनी के रेवेन्यू के साथ साथ कंपनी की नेट इनकम और साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर रेशियो पर भी रहने वाला है।
इसी के साथ अगर हम टाटा पावर के वॉल्यूम बेस्ड काम को भी एनालिसिस करें तो हमें यहाँ पर अगर आप पिछले एक महीने की वॉल्यूम को एनालिसिस करेंगे तो डेफिनेटली वॉल्यूम बेस्ड काम यहाँ पर थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, लेकिन अल्टीमेटली अभी भी यहाँ पर हमें लगभग 2 करोड़ क्वांटिटी डेली बेसिस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। और इसी के साथ अगर आप टाटा पावर की ऑर्डर बुक को भी एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी शानदार बाइंग क्वांटिटी हमें मार्केट क्लोज होने के बाद भी यहां पर देखने को मिल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि अडानी ग्रुप्स अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से यहां पर फेस कर रहा है, यानी कि आपको पता है कि इन्वेस्टिगेशंस को लेकर डेली बेसिस पर हमें अडानी ग्रुप्स के अंदर अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रही है, जिसके कारण यहां पर इन्वेस्टर्स पावर सेक्टर के अंदर अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली अडानी पावर्स को अगर हम यहां पर कंसीडर नहीं करें तो अभी के टाइम पर आप टाटा पावर को अपनी रडार में रख सकते हैं और इस शेयर के अंदर अपना फ्यूचर देख सकते हैं। अगर टाटा पावर के आप टेक्निकल एनालिसिस को भी चेक करेंगे तो RSI लेवल और MFI लेवल दोनों ही चीज़ें हमें मिड रेंज में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है। तो यदि आप करंट शेयर प्राइस से इस शेयर के अंदर फ्रेश पोजीशंस बनाते हैं तो डेफिनेटली आपको फॉर द लॉन्ग टर्म में इस शेयर के जो टारगेट हैं वो लगभग 1000 रुपये तक भी देखने को मिल सकते हैं। बस आपको पेशेंस बनाए रखना होगा और यहाँ पर खरीदारी के लिए मौका आपको मिल रहा है। जब तक शेयर्स कंसोलिडेशन फिगर में हैं तब तक आप यहां पर फ्रेश पोजीशंस बना सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये एक ब्रेकआउट बनता है उसके बाद से इसको पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल आपके लिए हो जाएगा। टाटा पावर के अगर हम टेक्निकल चार्ट्स को भी देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं 15 मिनट्स का कैंडलस्टिक चार्ट्स मैंने आपके सामने ओपन कर रखा है, जिसमें डेली बेसिस पर जो RSI लेवल निकल कर आ रहा है वो भी मिड रेंज में ही हमें देखने को मिल रहा है। और टाटा पावर के अंदर हमें आज के अगर ट्रेडिंग चार्ट को आप एनालिसिस करेंगे तो हमें काफ़ी शानदार वॉल्यूम बेस्ड काम भी आज के दिन हमें देखने को मिल चुका है, साथ ही साथ बियरिश की कैंडल्स भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है। लेकिन ओवरऑल जो टाटा पावर ने यहां पर क्लोजिंग दी है कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव क्लोजिंग यहां से निकल कर आई है। तो डेफिनेटली टाटा ग्रुप की इस कंपनी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर तो बुलिश यहां पर है ही, लेकिन साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी इसका फ्यूचर काफ़ी बुलिश यहां से निकल कर आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। टाटा पावर ने जो यहाँ पर CSC के साथ कोलैबोरेशन किया है, इसका इम्पैक्ट, इसका बेनिफिट आपको Q2 के अंदर कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट में देखने को मिलने वाला है। तो डेफिनेटली आप Q2 तक अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू रख सकते हैं और 160 रुपीज़ का टारगेट लेकर चल सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम टाटा पावर के सपोर्ट की बात करें, अगर इसके अंदर करेक्शंस भी होता है तो 118 रुपीज़ का जो यहाँ पर 20 DMA सपोर्ट निकल कर आ रहा है उसे आप लेकर चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।